हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अमिता तेलंग। हमारे लास्ट क्लास में, हमारा जो लास्ट वीडियो लेक्चर था, उसमें हमने सॉफ्टवेयर के बारे में देखा था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि सॉफ्टवेयर एक लाइन का कोड भी हो सकता है और या तो मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड हो सकता है। जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक सॉफ्टवेयर ही है। यस, दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर। सो इसमें मिलियंस ऑफ कोडिंग लाइंस यूज़ हुआ है। और अगर हम सिंपल सा कोई सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना हो, तो वो भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है। सो सॉफ्टवेयर ऑल्सो वर्क्स विथ अदर सॉफ्टवेयर टू जॉइन एज अ कोहेंसिव सिस्टम। ओके, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर, ज़रूरी नहीं है कि सिंगल सॉफ्टवेयर है तो उसको हम ज्वाइन नहीं कर सकते। हम चाहें तो सॉफ्टवेयर्स को ज्वाइन करके हम एक कोहेसिव सिस्टम बना सकते हैं, जैसे कि हमारे स्मार्टफोन। ओके, हमारे स्मार्टफोन में थाउजेंड ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। जो आपकी कोड लैंग्वेजेस हैं और जो स्टाइल्स होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, उनका स्कोप अलग अलग हो सकता है। तो जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं वो अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे कि हम अपना जो माइक्रोवेव सिस्टम होता है उसमें भी एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, और हम एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें भी एक सॉफ्टवेयर के द्वारा ही इसे बना रहे हैं। लेकिन जो माइक्रोवेव में यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है वो अलग है, अलग कैटेगरी का है, और जो हमारा एप्पल मैक में यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है वो अलग कैटेगरी का है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर अलग अलग कैटेगरीज़ के हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम किस कैटेगरी के सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रहे हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग नंबर वन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो लेट अस सी देम वन बाई वन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। सो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स डिज़ाइन फॉर एंड यूजर्स। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो भी हम अपने किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, अगर हम अपने कंप्यूटर में कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज़ करते हैं, वो सारे कहलाते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मींस गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड पैड, नोट पैड, जिसमें भी हम वर्ड एडिटिंग टास्क परफॉर्म करते हैं, वो सारे आपके होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। सेकेंड वन, डेटाबेस सॉफ्टवेयर माई एस क्यू एल, माइक्रोसॉफ्ट एस क्यू एल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, आई बी एम डी बी टू एंड फॉक्स प्रो, मीन्स वो सारे सॉफ्टवेयर जिनका यूज़ डेटाबेस बनाने और उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है, वो सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आते हैं, और ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। देन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मीन्स गूगल शीट्स, एप्पल नंबर्स एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हम स्प्रेडशीट बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो आपके स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर मींस मीडिया प्लेयर, विन एम, क्विक टाइम एंड वीएलसी मीडिया प्लेयर, मींस हमको यदि ऑडियो वीडियो किसी भी प्रकार का मीडिया यदि आपको देखना है या सुनना है, तो उसके लिए आप मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का यूज़ करोगे। जैसे कि हमको कोई वीडियो फाइल प्ले करनी है तो हम वीएलसी मीडिया प्लेयर यूज़ करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट इज़ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ओके, डेफिनेटली प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या करेगा, तो ये हमारे किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए, प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए यूज़ होगा, जैसे कि गूगल स्लाइड्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, की नोट्स, प्रेजी एट्सेट्रा, ये सारे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं जो किसी भी प्रकार का प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं।
देन आपके होते हैं इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, जैसे कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लाइक हब स्पॉट, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक 365 एट्सेट्रा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जिसे हम ERP कहते हैं, ERP सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर आपका होता है ट्रेजरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, ओके, बिजनेस इंटेलिजेंट। तो ये सारे इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर हैं, ये स्पेसिफिक इंटरप्राइजेस के लिए, इंटरप्राइज टाइप ऑफ वर्क के लिए बनाए जाते हैं। देन इंफॉर्मेशन वर्कर सॉफ्टवेयर लाइक डॉक्यूमेंटेशन टूल्स, रिसोर्स मैनेजमेंट टूल्स एट्सेट्रा। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर वेरी फेमस दिस डेज, जूम, गूगल मीट, स्काई, इसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एजुकेशनल सॉफ्टवेयर लाइक डिक्शनरीज, ब्रिटानिका, मैथमेटिकल, मैटलैब, गूगल अर्थ, नासा वर्ल्ड वाइड, ये सारे जो आपके एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हैं जो एजुकेशनल पर्पस के लिए डेफिनेटली यूज़ होते हैं। देन सिमुलेशन सॉफ्टवेयर मीन्स फ्लाइट एंड साइंटिफिक सिमुलेटर्स और कार ड्राइविंग सिमुलेटर्स, ये जो मशीन्स हैं सिमुलेटर मशीन्स, ये भी जो सिर्फ सॉफ्टवेयर पे वर्क करती है उसे हम कहते हैं सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। देन कंटेंट एक्सेस सॉफ्टवेयर, एक्सेसिंग कंटेंट थ्रू मीडिया प्लेयर, तो ये सारे आपके कंटेंट एक्सेसिंग सॉफ्टवेयर होंगे जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आते हैं। एप्लीकेशन सूट्स सच एज अपाचे ओपन ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, एप्पल आई वर्क, जी सूट, ओरेकल ई बिजनेस सूट एट्सेट्रा। सॉफ्टवेयर फॉर इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइक IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ईमेल सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, जीमेल, एप्पल मेल एट्सेट्रा। तो ये जितने भी हमने कैटेगरीज यहाँ पर पढ़े हैं ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक या स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है और ह्यूज वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर आपको इस कैटेगरी में देखने को मिलेगा। जो भी टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, डिपेंड्स कि आप कोई डेटाबेस बना रहे हो, आप कोई इंटरप्राइज वर्क कर रहे हो, आप मल्टीमीडिया पे वर्क कर रहे हो, वर्ड प्रोसेसिंग पे वर्क कर रहे हो, प्रेजेंटेशन बना रहे हो, एनीथिंग यू कैन इमेजिन, वो सारा आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।